हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहनी। सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। तो आज हम अपने राधा रानी का श्रृंगार करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रथम वर्षगांठ पर हमने इनके लिए बहुत ही स्पेशल श्रृंगार जो है बनाकर के कंप्लीट किया हुआ है। ज्वेलरी ड्रेसेस जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में जो है डिटेल्स से बताया हुआ था कि इस बार जो है हम क्या स्पेशल करने वाले हैं। तो आज मैं अपनी राधा रानी का आपको ये श्रृंगार करके दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर, जिसमें हमारी राधा रानी का जो है श्रृंगार होगा। इससे पहले मैं आप को बता दूं कि यहाँ पर ड्रेस ज्वेलरी जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं श्रृंगार पर, वो टोटली हैंडमेड है। अब मैं चलिए अपनी राधा रानी को, हमने जो इनका ये ब्यूटीफुल लहंगा जो है पहनाया हुआ है, इसमें राधा रानी का जो लुक है बहुत ही सुंदर आया है, क्योंकि राधा रानी को ब्लू कलर इनको अति प्रिय होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो इनका जो जो लुक आया हो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम इनका जो श्रृंगार करेंगे, तो देखिए हमने जो राधा रानी को ये जो दुपट्टा या पटका साइड में दिया हुआ है वो हमने पहले से टक कर दिया था, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हैवी है, इसमें मोतियों की लेस लगी हुई है, तो हमने इसे पहले ही टक कर दिया है। तो अब चलिए हम इनका आगे का श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें लॉन्ग नेकलेस पहनाऊंगी, जो कि बहुत ही सुंदर और इस ड्रेस के हिसाब से हैवी है, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए हम इन्हें पहनाते हैं। चोकर नेकलेस पहनाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर बना करके हमने तैयार किया था। हमारी राधा रानी अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन से अपनी जो ज्वेलरी ड्रेसेस हमसे बनवा ही लेती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब ये हम इन्हें पहनाते हैं तो आराम से ये पहन भी लेती हैं बिना किसी परेशानी के। तो देखिए मैं इन्हें जो चोकर नेकलेस है पहना रही हूँ। अब इसे कैसे सेट करते हैं वो आप देख सकते हैं। नेकलेस के पीछे एक छोटी सी बीट्स हम डोरी पे डाल के रखते हैं, जिससे कि सेट करने में आसानी होती है। तो हम कुछ इस प्रकार से इनका जो है नेकलेस सेट कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग नेकलेस को भी अच्छे से सेट किया हुआ है पीछे से, कुछ इस प्रकार से। तो अब देखते हैं हमारी राधा रानी किस प्रकार से श्रृंगार करवाती हैं। तो ये बैंगल्स हैं, इस बार मैं बैंगल्स जो है नहीं बना पाई, क्योंकि बनाने के लिए इतना सारा मटेरियल्स हो चुका था ऑलरेडी कि टाइम ही नहीं मिला हमें बैंगल्स बनाने का। तो ये मेरे पास पहले के बैंगल्स रखे हुए थे जिसमें पिंक कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था, बट इतना चल जाता है। तो अब जो है हम इनको ये इनके नज़रिए पहना देते हैं। अब हम इन्हें एक गोल्डन कलर का हैवी कंगन पहना देते हैं, जिसमें छोटे छोटे से कलीरे लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार से हम राधा रानी को इस हैंड पे पहना देते हैं इनके कंगन्स। चलिए हम इनको इनके नज़रिए सैंड पे भी पहना देते हैं, और फिर वही हैवी कंगन जो कि हमने पहनाया है उसमें छोटे छोटे से कलीरे लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हम इन्हें पहना देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी राधा रानी ने कंगन पहन लिए हैं। अब हम इनको इनके इसी ज्वेलरी के सेट के इयररिंग्स जो हमने तैयार किए थे, अब हम इन्हें ये पहनाते हैं। तो इसे हम कैसे पहनाते हैं, इसमें गाइस हम ग्लू का यूज़ करते हैं, जो कि आपको पूजा शॉप पे मिल जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फिर भी आप सभी का जो कॉमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसमें बता देना चाहिए। तो अब चलिए मैं इनको इनकी हेयर बिग लगा देती हूँ, इसके बाद हम इनको इनका मांग टीका लगाएंगे। मांग टीका पहनाने से पहले हम इन्हें नोज पिन पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर नोज पिन बनके तैयार हुई है। और देखिए हमारी राधा रानी का बहुत ही डिफरेंट लुक आ रहा है और बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये।
तो देखिए हमने इन्हें कड़ी भी पहना दी है, नेकलेस भी पहना दी है, नोज़ पिन भी पहना दी है। अब हम इन्हें मांग टीका लगाएंगे। तो इनका मांग टीका हैवी है इनकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग, तो चलिए मैं इसे सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर मांग टीका सेट करने के लिए ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर छोटी सी क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे सेट होता है मांग टीका। तो देखिए हमने अपनी राधा रानी को इनका मांग टीका लगा दिया है। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने इन्हें कमरबंद नहीं पहनाया, तो मेरे पास ये एक पैच था, तो हम इन्हें इनकी कमर पे ऐसा टक कर देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम फिंगर रिंग्स पहनाएंगे इन्हें। तो मेरे पास जो है छोटे छोटे मैंने पैच बना करके तैयार किए थे इनके रिंग के लिए, तो मैं इन्हें पहना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं, फिर हम इन्हें पहनाते हैं। देखिए हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इनका जो आज का श्रृंगार है बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। अब हम इन्हें मांग टीका के साथ साथ ये चंद्रिका पहनाएं, क्योंकि राधा रानी बिना चंद्रिका के तो इनका श्रृंगार कंप्लीट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हें इनका ये दुपट्टा देंगे, जैसा कि इनका एक्स्ट्रा पटका तो हमने इनके पहले ही सेट कर दिया था, हम इन्हें ये वाला दुपट्टा भी सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चंद्रिका लगाएंगे। तो चंद्रिका को जो है मैं सीधे इनके हेयर पर ही लगा दूँगी, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे सेट कर देती हूँ। अब हम इनकी चंद्रिका इन्हें लगा देंगे हेयर पे, हम दुपट्टे के ऊपर से नहीं लगा रहे इनके चंद्रिका। तो चलिए मैं इन्हें पहले इन्हें चंद्रिका पहना देती हूँ। तो फाइनली हमारी राधा रानी का आज का श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा आज का इनका श्रृंगार करके। ऐसा करती हूँ आप सभी को इनका श्रृंगार अच्छा लगा होगा। तो चलिए पहले हम अपनी राधा रानी का आपको ओवरलुक दिखा देते हैं कि हमारी राधा रानी की कैसी लग रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आपको देखने में भी बहुत आनंद आएगा। तो चलिए पहले हम अपनी राधा रानी का पूरा श्रृंगार देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आज इनका श्रृंगार जो है कंप्लीट हुआ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक श्रृंगार हुआ है। मानो की नज़रें ही नहीं हट रही हैं इनसे। तो बहुत ही अद्भुत श्रृंगार आज हमारी राधा रानी ने हमसे करवाया है, और हमेशा ही इनका जो श्रृंगार होता है वो कुछ हर बार की तरह इस बार भी इनका जो है लुक आया है बहुत ही डिफरेंट आया है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज हमारी राधा रानी के दर्शन आपको अच्छे से हुए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, श्रृंगार अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है shivmohini14, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी का ढेरों धन्यवाद कि आप सबने हमारे साथ इतना हमें सपोर्ट किया, इतना आगे तक हम सब साथ आए, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे कान्हा जी के श्रृंगार के साथ और ऐसे ही अद्भुत दर्शन के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।